हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 2019 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक दबंग 3 जल्द ही रिलीज होने वाली है। दबंग और दबंग 2 को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली थी और दबंग की सफलता के बाद सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुलबुल पांडे के किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया है। वहीं अब ट्रेड एक्सपर्ट्स के साथ साथ दर्शकों को भी दबंग 3 से काफी उम्मीदें हैं। बता दें कि दबंग 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और जिस तरह से फिल्म की टिकट बिकना शुरू हुई है उससे ये तो साफ हो गया है कि दबंग 3 को लेकर काफी लोगों में क्रेज है। एडवांस बुकिंग को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही बम्पर ओपनिंग लेगी। बता दें कि हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर में फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हुई है और कहा जा रहा है कि कई सारे थिएटर्स तो अभी से हाउसफुल भी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हैदराबाद में दबंग 3 की एडवांस बुकिंग सबसे बेहतरीन हुई है। यहां 30% से ज्यादा शो की सीटें फुल हो चुकी है। इसके अलावा पटना और लखनऊ जैसे शहरों में भी टिकट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बात करें छोटे शहरों की तो छोटे शहरों में आमतौर पर एडवांस बुकिंग में लोग ज्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन दबंग 3 के टिकट यहाँ भी काफी बिक रहे हैं। वही सिंगल स्क्रीन में फिल्म को अच्छी शुरुआत मिलना तय है क्योंकि दबंग सीरीज की फिल्मों ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में काफी शानदार कमाई की थी। ऐसे में दबंग 3 को लेकर भी यहाँ काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। बता दें कि दबंग 3 का डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया है, जिन्होंने सलमान के साथ वांटेड जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी। वांटेड वो फिल्म थी जिसने सलमान के डूबते करियर को फिर से संवारा था, क्योंकि वांटेड के पहले रिलीज हुई सलमान की कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही थी। अगर तब प्रभु देवा सलमान खान के साथ काम नहीं करते तो भाईजान आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। फिल्म में सलमान के साथ सोनाक्षी और साईं रोमांस करती नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में किच्चा सुदीप भी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे, जो कि फिल्म में सलमान खान के साथ दो दो हाथ करते नजर आने वाले हैं। वेल, देखने वाली बात तो ये होगी कि दबंग 3 बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। वैसे आप दबंग 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।